मैं ध्यान कर तेरा, आज की बाजी में है क्या? जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका अपना टकला सागर। है टकला? अबे नाम कैसे पड़ गया तेरा? ये तो बहुत लंबी कहानी है। खैर छोड़िए इन बातों को, हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश एक बहुत ही खतरनाक महामारी से गुजर रहा है। किसकी मारी? बीमारी नहीं, दर्द साले, महामारी। और जैसे जैसे देश में कोरोनावासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नवजात और मुद्रा करने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। ये लाइव है। खैर इन चूतियापों से आगे बढ़ के हम आपको देश के पूरे हालातों की तरफ लेके चलते हैं। बड़ी मुश्किल से पीछा छीका दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, सारी गली मोहल्ले सब सुनसान पड़े हैं इस लॉकडाउन में। घर बिल्कुल सन्नाटा, और घरों में बिल्कुल सन्नाटा, एक पत्ता नहीं मिल रहा, कहीं से कोई आवाज बिल्कुल आई नहीं रही है। क्या बात होगी, लॉकडाउन में कहाँ से गिर गए? हम वही पड़े होते हैं, हम मैटर पड़े। निकलना पड़ेगा, चलो जल्दी। समस्या बैठी है, शकल पे समस्या देखी। अरे मेरी बंदी थोड़ी है, ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बिजनेस, सारे कारोबार हमारे देश में सब ठप हो गया है, और देश की इकोनॉमी तो ऐसे नीचे आ रही है, बस पूछो ही मत। और जैसा, अरे बम्बानी साहब, अब इनसे मिलते हैं। बम्बानी साहब, इस लॉकडाउन में कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं इस लॉकडाउन में आप? सर सर कुछ सर, कोई नो की डील करने जा रहे हैं। कौन सा वाला? सर को परेशान मत करो सर, अपना मूड बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका एटीट्यूड, कोहिनूर की डील करने जा रहे हैं। इससे लॉकडाउन में कौन सी डील? कुछ गड़बड़, इनका पीछा करते आओ। एक मिनट सर, ऑल क्लियर। बम्बानी साहब इधर हूँ। माल लेके आए। रिकॉर्ड किया सर, आपके सारे कोहिनूर की डीलिंग रिकॉर्ड होगी कैमरे में। जल्दी दिखाओ आपने क्या डील करी है, कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। ओह नो, ये आपकी डीलिंग? अरे तुम क्या समझोगे सर, का एक महीने से प्रेशर नहीं बन रहा। कड़ाके आराम से सर, आराम से चलो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बीडी की तरफ लोगों से कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। आपने देखा कल हमने बम्बानी साहब का पर्दाफाश किया बीडी की तस्करी करते हुए। हालांकि लाजमी भी है, कई लोगों का बीडी के बिना प्रेशर भी नहीं बनता है। वैसे कई लोग खपच्ची लेना भी पसंद करते हैं, लेकिन बीडी की अलग ही बात है। ऐसे लॉकडाउन में और भी भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? राशन लेके आ रहा हूँ, कल रात गया था, अब पहुँचाऊँ। कैसे मिला? फ्री में लग तो नहीं रहा फ्री में। खैर छोड़ो, ये बताओ लॉकडाउन कैसे कट रहा है आपका घर? अपने लैपटॉप में मस्त चल रही है, दिन भर सोते रहते हैं। और क्या है, थोड़ा बच्चा खेल लिया। नवा वाली लाइफ चल रही है पूरी अपनी।
इस बेचारे को क्या पता था इसे राशन के बदले इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। कार्ड पे प्रेशर बन रहा है मेरा भी, हल्का होकर काफी अच्छा फील हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। ये कैसी लाइन है? टकला भैया ठेके की लाइन होगी। चलो आगे बढ़ो। पूछा जाए इनसे मसला क्या है। भाई साहब कब से खड़े हो ठेके की लाइन में? अरे भाई ठेके की लाइन है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मुझे लगा राशन की लाइन में नंबर उसके आते हैं। अजीब आदमी है। भाई साहब कब से खड़े हो ठेके की लाइन में? कब से खड़ा? पूरी तैयारी लग रही है। क्या कर रहे हो? ओढ़ लिए भाई दारू हम किसी ने। भाई साहब क्या करोगे दारू लेके? लॉकडाउन चल रहा है। एक तो अल्कोहल सैनिटाइजर काम करेगी और दूसरा देश की इकोनॉमी भी गिरी थी, मैं देश को डोनेशन है। जय हिंद। जिम्मेदार नागरिक। तो भाई साहब आप तो भी पैदा भी नहीं हुए, इतने छोटे हो, क्या कर रहे हो लाइन में? भाई आज मैं जरूर छोटा हूँ, नहीं तेल से बड़ा है। क्या नहीं तेल से बड़ा है? क्या रहा क्या तुम शौक? ये कहाँ गए? चल बसे। आप देख रहे ठीके के बाहर लोग हफ्ता हफ्ता भर से खड़े हैं, वैसे इनकी हालत खस्ता हो चुकी है। दिख रही है ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो